राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद इंस्टीट्यूट की खामियों को लेकर भी तमाम सबूत अब सामने आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत के पास फायर की वो एनओसी है, ये एनओसी दरअसल इसी महीने यानी कि 9 जुलाई को इशू की गई थी और इस एनओसी के अंदर बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के तौर पर किया जाना था, लेकिन बेसमेंट का इस्तेमाल किया गया लाइब्रेरी के तौर पर। आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इसी 9 जुलाई को फायर ने एनओसी इशू की थी और आप देखेंगे कि इस बिल्डिंग में जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है वो दरअसल पार्किंग के लिए था और बेसमेंट को भी स्टोरेज और पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन जांच में सामने आया कि जिस जगह पर लाइब्रेरी बनी हुई थी दरअसल वो बेसमेंट 2 पे लाइब्रेरी बनी हुई थी। आपको बता दें कि इस इंस्टीट्यूट में 2 बेसमेंट है, बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2। बेसमेंट 2 के अंदर जो है वो लाइब्रेरी बनी हुई थी और जब बारिश का पानी बेसमेंट के अंदर घुसा तो वो कहीं ना कहीं बेसमेंट 2 में पहुंच गया और वहां पर 30 बच्चे मौजूद थे जो कि पानी की जद में आ गए। खुद को बचाने के लिए वो बेंच के ऊपर तक खड़े हुए और इसी आनंद फानंद में रस्सियों से तकरीबन 13 बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जिनमें से 3 बच्चों की पानी जब निकालने की कवायद और रेस्क्यू करना शुरू किया गया तो 3 बच्चों की बॉडी जो है वो बेसमेंट 2 के अंदर से मिली है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक तरीके से नई इमारत ये पूरे तरीके से बनी हुई थी। नॉर्थ एमसीडी का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट भी रिपब्लिक भारत के पास है, उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के तौर पर और पार्किंग के तौर पर किया जाना था, लेकिन बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया गया। और ये भी बात सामने आ रही है कि लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल जो है वो बच्चे करते थे, फिंगरप्रिंट या थंबप्रिंट लगाकर ही लाइब्रेरी का गेट खुलता था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही पानी का बहाव बेसमेंट के अंदर बढ़ा तो सबसे पहले जो कांच के दरवाजे थे उनमें ब्लास्ट होना शुरू हुआ और पानी एक-एक करके तकरीबन 13 फीट का जो बेसमेंट था उसमें भरता चला गया और 6 से 7 घंटे का समय लगा उस बेसमेंट के पानी को बाहर निकालने के लिए। 4 मोटर का भी इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं अब इंस्टीट्यूट कैसे बना उसके अंदर जो तमाम जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में क्रिमिनल ऑफेंस के चलते मुकदमा दर्ज किया है। 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि इस इंस्टीट्यूट के मालिक और कोऑर्डिनेटर बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद इंस्टीट्यूट की खामियों को लेकर भी तमाम सबूत अब सामने आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत के पास फायर की वो एनओसी है, ये एनओसी दरअसल इसी महीने यानी कि 9 जुलाई को इशू की गई थी और इस एनओसी के अंदर बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के तौर पर किया जाना था, लेकिन बेसमेंट का इस्तेमाल किया गया लाइब्रेरी के तौर पर। आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इसी 9 जुलाई को फायर ने एनओसी इशू की थी और आप देखेंगे कि इस बिल्डिंग में जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है वो दरअसल पार्किंग के लिए था और बेसमेंट को भी स्टोरेज और पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन जांच में सामने आया कि जिस जगह पर लाइब्रेरी बनी हुई थी दरअसल वो बेसमेंट 2 पे लाइब्रेरी बनी हुई थी। आपको बता दें कि इस इंस्टीट्यूट में 2 बेसमेंट है, बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2। बेसमेंट 2 के अंदर जो है वो लाइब्रेरी बनी हुई थी और जब बारिश का पानी बेसमेंट के अंदर घुसा तो वो कहीं ना कहीं बेसमेंट 2 में पहुंच गया और वहां पर 30 बच्चे मौजूद थे जो कि पानी की जद में आ गए। खुद को बचाने के लिए वो बेंच के ऊपर तक खड़े हुए और इसी आनंद फानंद में रस्सियों से तकरीबन 13 बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, जिनमें से 3 बच्चों की पानी जब निकालने की कवायद और रेस्क्यू करना शुरू किया गया तो 3 बच्चों की बॉडी जो है वो बेसमेंट 2 के अंदर से मिली है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक तरीके से नई इमारत ये पूरे तरीके से बनी हुई थी। नॉर्थ एमसीडी का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट भी रिपब्लिक भारत के पास है, उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के तौर पर और पार्किंग के तौर पर किया जाना था, लेकिन बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया गया। और ये भी बात सामने आ रही है कि लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल जो है वो बच्चे करते थे, फिंगरप्रिंट या थंबप्रिंट लगाकर ही लाइब्रेरी का गेट खुलता था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही पानी का बहाव बेसमेंट के अंदर बढ़ा तो सबसे पहले जो कांच के दरवाजे थे उनमें ब्लास्ट होना शुरू हुआ और पानी एक-एक करके तकरीबन 13 फीट का जो बेसमेंट था उसमें भरता चला गया और 6 से 7 घंटे का समय लगा उस बेसमेंट के पानी को बाहर निकालने के लिए। 4 मोटर का भी इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं अब इंस्टीट्यूट कैसे बना उसके अंदर जो तमाम जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में क्रिमिनल ऑफेंस के चलते मुकदमा दर्ज किया है।
दो लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि इस इंस्टीट्यूट के मालिक और कोऑर्डिनेटर बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद इंस्टीट्यूट की खामियों को लेकर भी तमाम सबूत अब सामने आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत के पास फायर की वो एनओसी है, ये एनओसी दरअसल इसी महीने यानी कि 9 जुलाई को इशू की गई थी और इस एनओसी के अंदर बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के तौर पर किया जाना था लेकिन बेसमेंट का इस्तेमाल किया गया लाइब्रेरी के तौर पर। आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इसी 9 जुलाई को फायर ने एनओसी इशू की थी और आप देखेंगे कि इस बिल्डिंग में जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है वो दरअसल पार्किंग के लिए था और बेसमेंट को भी स्टोरेज और पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था लेकिन जांच में सामने आया कि जिस जगह पर लाइब्रेरी बनी हुई थी दरअसल वो बेसमेंट 2 पे लाइब्रेरी बनी हुई थी। आपको बता दें कि इस इंस्टीट्यूट में 2 बेसमेंट है, बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2। बेसमेंट 2 के अंदर जो है वो लाइब्रेरी बनी हुई थी और जब बारिश का पानी बेसमेंट के अंदर घुसा तो वो कहीं ना कहीं बेसमेंट 2 में पहुंच गया और वहां पर 30 बच्चे मौजूद थे जो कि पानी की जद में आ गए। खुद को बचाने के लिए वो बेंच के ऊपर तक खड़े हुए और इसी आनन फानन में रस्सियों से तकरीबन 13 बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया जिनमें से 3 बच्चों की पानी जब निकालने की कवायद और रेस्क्यू करना शुरू किया गया तो 3 बच्चों की बॉडी जो है वो बेसमेंट 2 के अंदर से मिली है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक तरीके से नई इमारत ये पूरे तरीके से बनी हुई थी। नॉर्थ एमसीडी का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट भी रिपब्लिक भारत के पास है, उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के तौर पर और पार्किंग के तौर पर किया जाना था लेकिन बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया गया। और ये भी बात सामने आ रही है कि लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल जो है वो बच्चे करते थे, फिंगरप्रिंट या थंबप्रिंट लगाकर ही लाइब्रेरी का गेट खुलता था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही पानी का बहाव बेसमेंट के अंदर बढ़ा तो सबसे पहले जो कांच के दरवाजे थे उनमें ब्लास्ट होना शुरू हुआ और पानी एकाएक करके तकरीबन 13 फीट का जो बेसमेंट था उसमें भरता चला गया और 6 से 7 घंटे का समय लगा उस बेसमेंट के पानी को बाहर निकालने के लिए 4 मोटर का भी इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं अब इंस्टीट्यूट कैसे बना उसके अंदर जो तमाम जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में क्रिमिनल ऑफेंस के चलते मुकदमा दर्ज किया है। 2 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि इस इंस्टीट्यूट के मालिक और कोऑर्डिनेटर बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद इंस्टीट्यूट की खामियों को लेकर भी तमाम सबूत अब सामने आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत के पास फायर की वो एनओसी है, ये एनओसी दरअसल इसी महीने यानी कि 9 जुलाई को इशू की गई थी और इस एनओसी के अंदर बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के तौर पर किया जाना था लेकिन बेसमेंट का इस्तेमाल किया गया लाइब्रेरी के तौर पर। आप तस्वीरें देखेंगे, तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इसी 9 जुलाई को फायर ने एनओसी इशू की थी और आप देखेंगे कि इस बिल्डिंग में जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है वो दरअसल पार्किंग के लिए था और बेसमेंट को भी स्टोरेज और पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था लेकिन जांच में सामने आया कि जिस जगह पर लाइब्रेरी बनी हुई थी दरअसल वो बेसमेंट 2 पे लाइब्रेरी बनी हुई थी। आपको बता दें कि इस इंस्टीट्यूट में 2 बेसमेंट है, बेसमेंट 1 और बेसमेंट 2। बेसमेंट 2 के अंदर जो है वो लाइब्रेरी बनी हुई थी और जब बारिश का पानी बेसमेंट के अंदर घुसा तो वो कहीं ना कहीं बेसमेंट 2 में पहुंच गया और वहां पर 30 बच्चे मौजूद थे जो कि पानी की जद में आ गए। खुद को बचाने के लिए वो बेंच के ऊपर तक खड़े हुए और इसी आनन फानन में रस्सियों से तकरीबन 13 बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया जिनमें से 3 बच्चों की पानी जब निकालने की कवायद और रेस्क्यू करना शुरू किया गया तो 3 बच्चों की बॉडी जो है वो बेसमेंट 2 के अंदर से मिली है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक तरीके से नई इमारत ये पूरे तरीके से बनी हुई थी। नॉर्थ एमसीडी का जारी किया हुआ सर्टिफिकेट भी रिपब्लिक भारत के पास है, उसमें भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के तौर पर और पार्किंग के तौर पर किया जाना था लेकिन बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया गया। और ये भी बात सामने आ रही है कि लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए बायोमेट्रिक का इस्तेमाल जो है वो बच्चे करते थे, फिंगरप्रिंट या थंबप्रिंट लगाकर ही लाइब्रेरी का गेट खुलता था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये बिल्कुल क्लियर है कि जैसे ही पानी का बहाव बेसमेंट के अंदर बढ़ा तो सबसे पहले जो कांच के दरवाजे थे उनमें ब्लास्ट होना शुरू हुआ और पानी एकाएक करके तकरीबन 13 फीट का जो बेसमेंट था उसमें भरता चला गया और 6 से 7 घंटे का समय लगा उस बेसमेंट के पानी को बाहर निकालने के लिए 4 मोटर का भी इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं अब इंस्टीट्यूट कैसे बना
उसके अंदर जो तमाम जो नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया गया और यही कारण है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में क्रिमिनल ऑफेंस के चलते मुकदमा दर्ज किया है। दो लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि इस इंस्टीट्यूट के मालिक और कोऑर्डिनेटर बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विजय उज्जवल के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।